हिस्सों में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। WHO के नए डेटा से पता चलता है कि दुनिया में 10 में से 9 लोग उच्च स्तर के प्रदूषकों से युक्त हवा में सांस ले रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का अनुमान है कि प्रदूषित हवा के संपर्क में आने से हर साल लगभग 7 मिलियन लोग मरते हैं, जबकि अकेले भारत में इस कारण से मरने वालों की संख्या 1.2 मिलियन है। भारत की राजधानी विश्व से सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में से एक है। वायु प्रदूषण की समस्या पूरे विश्व में फैलती जा रही है। चीन के कई शहरों में हालात बहुत बुरे हो गए हैं। अब चीन ने इस दिशा में काम करते हुए स्मॉग टावर भी लगा दिए हैं, ताकि लोगों को स्वस्थ हवा दी जा सके। भारत भी इसी तरह की पहल करने की योजना बना रहा है। दिल्ली की एक कंपनी कुरन सिस्टम्स को हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े वायु शोधक का पेटेंट मिला है। यह कंपनी दिल्ली में कुछ IIT की मदद से स्मॉग टावर लगाने की योजना बना रही है। स्मॉग टावर क्या होता है? स्मॉग टावर एक चिमनी के आकार की संरचना है, जो कि रेडीमेड कंक्रीट से भी बनाई जा सकती है। दिल्ली में लगाए जाने वाले स्मॉग टावर का आकार 40 फीट लंबा और 20 फीट गोलाई वाला होगा। इस प्रकार यह एक तरह का बहुत बड़ा एयर प्यूरिफायर होता है। यह डिवाइस सभी 360 डिग्री कोणों से हवा को सोख सकता है और एक घंटे में लगभग 13 लाख क्यूबिक मीटर स्वच्छ हवा उत्पन्न करने में सक्षम होता है। हालांकि इसकी क्षमता प्रतिदिन 32 मिलियन क्यूबिक मीटर हवा को साफ करने की क्षमता होगी। इस विशाल एयर प्यूरिफायर को स्वच्छ हवा के प्रवाह को बनाए रखने के लिए 48 पंखों की जरूरत होगी। इस उपकरण के निर्माता का दावा है कि यह प्यूरिफायर 3 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले 75,000 लोगों को स्वच्छ हवा प्रदान कर सकता है। यह हवा को कैसे फिल्टर करता है? ये स्मॉग टावर अपने आसपास की प्रदूषित हवा को सोख लेता है और फिर इसमें लगे कई फिल्टरों की सहायता से इसे साफ करके दोबारा पर्यावरण में छोड़ देता है। एक एयर प्यूरिफायर जितना बड़ा होगा उतनी ही अधिक हवा को साफ करेगा। इनको बिजली और सोलर पावर से भी चलाया जा सकता है। हवा को शुद्ध करने के लिए इसमें अत्यधिक प्रभावशाली H14 ग्रेड हाईली इफेक्टिव पार्टिकुलेट अरेस्ट यानी HEPA फिल्टर का उपयोग किया जाएगा। ये फिल्टर हवा में मौजूद 99.99% पार्टिकुलेट मैटर यानी PAM को साफ कर सकता है। ज्ञातव्य है कि दुनिया का पहला स्मॉग फ्री टावर नीदरलैंड में 2015 में लगा था। स्मॉग टावर की लागत, प्रत्येक स्मॉग टावर की लागत लगभग 10 से 12 करोड़ रुपए आती है, जिसमें फिल्टरिंग उपकरण, निगरानी प्रणाली और टावर का निर्माण शामिल है। इसलिए हमें इस स्मॉग टावर के वास्तविक प्रभावों को जानने के लिए कुछ और समय का इंतजार करना होगा। लेकिन ये कहा जा सकता है कि देश के नागरिकों को स्वच्छ हवा प्रदान करने के लिए यह एक अच्छा कदम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और अन्य ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए विजिट करें jagranjosh.com। टिल द नेक्स्ट टाइम, इट्स अ गुड बाय।